वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे काफी शानदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में, पर आप लोगों को छोटा सा एक काम करना है। जैसे आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखे, आप लोगों को बस ये करना है कि उस क्वेश्चन को मेरे आंसर बताने से पहले खुद आंसर देना है। अगर क्वेश्चन आप लोग राइट करते हैं तो अच्छी बात है, अगर गलत करते हैं तो और भी अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग गलत नहीं करेंगे, यहीं पर ही आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो को आप लोगों को एंजॉय करना है ताकि इफेक्टिवली आप लोग अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सके और क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा रहता है, तो हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में, तो जिसको IORA भी आप लोग बोलते हैं, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला जा रहा है कि 19वीं जो IORA की काउंसिल मिनिस्ट्रियल मीटिंग है ये अभी अबू धाबी में होगी, ठीक है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि इसका हेडक्वार्टर हवाई आइलैंड में है। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि टोटल मिलाकर बाई कोस्टल स्टेट है जो कि इंडियन ओशन के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ए में बोला गया 1 और 3 सही है, बी में बोला गया 2 और 3 सही है, सी में बोला गया 3 only सही है और डी में बोला गया 1 only सही है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, ABCFUD। तो जो करेक्ट आंसर है यहां पर ये इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 19वीं जो IORA की जो काउंसिल की मीटिंग है ये अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी कहां पर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो यहां पर ये अभी रिसेंटली देखने को मिली। इसी के साथ में जो यहां पर बात की जा रही है हवाई आइलैंड के बारे में, तो यहां पर ये गलत है, ये हवाई आइलैंड में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, इसका जो हेडक्वार्टर है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन ओशन के अंदर एक टेरिटरी है यहाँ पर मॉरिशस, तो मॉरिशस में आप लोगों यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारी कंट्री आ जाएगी। तो ये इंडियन ओशन की बात की जा रही है, ये है आप लोगों के सामने इंडियन ओशन पूरा, ये है हमारी कंट्री, बीचों बीच में जूम करेंगे इंडियन ओशन होगा, ये हमारी कंट्री के नाम पर इस ओशन का नाम रखा गया है। इधर अरेबियन सी हो गया, इधर आएंगे तो बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अपनी कंट्री है। तो यहां पर है इसका हेडक्वार्टर, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। टोटल 22 मेंबर है यहां पर इसकी कंट्री जो कि इंडियन ओशन के साथ में यहां पर बॉर्डर टच करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। आइए थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर और समझ लेते हैं इसके बारे में, ताकि अगर क्वेश्चन और बने तो आप लोग आंसर दे पाएं। तो मॉरिशस में हेडक्वार्टर हो गया यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। ये सारी जो यहाँ पर कंट्री है ये बॉर्डर टच करती है इंडियन ओशन के साथ में, ये कंट्री यहां पर इसका पार्ट है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितने मेंबर है यहां पर, ये 22 मेंबर है। अगर बात करें यहां पर सेक्रेटरी जनरल की, तो है नोकवे, तो यहां पर सेक्रेटरी जनरल है, चेयर अभी फिलहाल इसकी साउथ अफ्रीका में है और यहां पर जो वाइस चेयर है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास में है, जहां पर ये अभी आप लोगों को मीटिंग भी देखने को मिली UAE में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी जो 19वीं ये मीटिंग है ये अभी 7 नवंबर को यहां पर हुई, 7 नवंबर को ये मीटिंग हुई अभी यहां पर, और जो इसकी थीम थी ये इंपॉर्टेंट है। थीम आप लोगों से पूछ ली जाती है कि किस एरिया में फोकस देते हैं, उसको बोलते हैं थीम। तो ये है प्रमोटिंग ए शेयर डेंसिटी एंड पाथ थ्रू द प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडियन ओशन, यानी कि इंडियन ओशन को कैसे हम लोग मिलकर अच्छा बना सकते हैं, किस तरीके से यहां पर जो कंट्री है वो सारी प्रोस्परस यानी कि उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, कुछ ऐसा काम यहां पर करना है। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था ये किया गया था 1997 में। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्ट आप लोगों के कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। रिसेंटली मीटिंग, इसकी थीम जो कि इंडियन ओशन से रिलेटेड है, ये आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है घुमा घुमा कर अलग अलग एग्जाम में, तो ये आप लोग जरूर याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है दिल्ली के एयर पोल्यूशन के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो यहां पर ये पोल्यूटेंट जो कण होते हैं वो रेस्पिरेटरी जो डिजीज होती है यानी कि सांस से रिलेटेड बीमारी और हार्ट डिजीज यानी कि हृदय से रिलेटेड जो रोग हैं उसकी वजह से बढ़ रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। दूसरा बोला गया सफर यहां पर गवर्नमेंट की एक मॉनिटरिंग एजेंसी है जो कि पोल्यूशन को ट्रैक करती है। तीसरा बोला गया है इफ अगर यहां पर एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो पार्टिकुलेट मैटर का यानी कि पोल्यूशन के जो कण का वो 300 से ऊपर यहां पर पहुंच जाता है तो ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। ये जो डिक्लेयर की जाती है रेस्पॉन्स रहता है कि देखा जाता है कि 48 आवर जो रहते हैं उसमें ये इसको देखा जाता है कि चेक कर कि क्या चल रही है कंडीशन, उसके बाद में इसको डिक्लेयर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1, 2, 3, 4, डी में बोला गया 1 और 4। करेक्ट आंसर क्या है, ABCFUD। करेक्ट आंसर है यहां पर सी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, पार्टिकुलेट मैटर जो है उसकी वजह से जो सांस की बीमारी और दिल की बीमारी बढ़ रही है, सफर इसका यहां पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसके बेस पर पोल्यूशन चेक किया जाता है, और इसी के साथ में जो पार्टिकुलेट मैटर है ये अगर यहां पर 300 से ऊपर अगर यहां पर मीटर क्यूबिक के हिसाब से यहां पर बढ़ जाता है तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है और 48 आवर के अंदर यहां पर इसका रेस्पॉन्स काउंट किया जाता है। इसके बारे में ये इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके,
बाकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे सफर के बारे में बात की जा रही है, तो सफर को आप लोग फुल फॉर्म आप लोगों से कोई पूछे तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि एयर क्वालिटी भी चेक करता है और वेदर फोरकास्टिंग यानी कि जो मौसम है उसकी जानकारी भी यहां पर ये देता है। तो दोनों काम करता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कौन सा मंत्रालय है यहां पर, तो अर्थ साइंस यहां पर इसका मंत्रालय है, मंत्री है, मतलब ये मिनिस्ट्री है। दिल्ली में इसका बेसिकली इसको इनॉग्रेट किया गया था, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद ये भी सिटी है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेवलप किसके द्वारा किया गया, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी IIM टीम बोलते हैं आप लोग इसको, ये पुणे के अंदर है। तो यहां पर इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ऑपरेशन कौन करता है इसको, यानी कि कौन इंप्लीमेंट करता है, तो IMD जिसको बोलते हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में ही आता है। तो ये इसको इंप्लीमेंट करता है। एयर क्वालिटी और वेदर फोरकास्टिंग यहां पर ये चेक करते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी या हवा की स्पीड कैसी है, या फिर हवा की डायरेक्शन कैसी है, टेम्परेचर कितना है, कितनी बारिश हो रही है, कितनी आर्द्रता है यहां पर उसमें जो मौसम में, बेसिकली वो सारी चीजें चेक की जाती है। इसी के साथ में ये मेजर करता है मरकरी यानी कि पारा क्या है यहां पर, पार्टिकुलेट मैटर कैसे है, ब्लैक कार्बन क्या चल रहा है कंडीशन, सल्फर क्या है, ओजोन का कंडीशन क्या है, NO2 कार्बन, तो ये सारी चीजें, बेंजीन, ये सब चीजें यहां पर इसके द्वारा चेक किए जाते हैं। एक्स्ट्रा पोल्यूटेंट यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सारी चीजें इतनी चेक नहीं की जाती, जिसमें इतनी चेक की जाती है, ये एडवांस वर्जन आप लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स का बोल सकते हैं। ये 24/7 रियल टाइम में इंफॉर्मेशन देगा, अच्छी बात यहां पर ये, और 72 घंटे पहले वार्निंग दे देता है अगर कोई कंडीशन खराब होने वाली होती है। तो सफर के बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एग्रीकल्चर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को हम लोग सुधार सकते हैं और पहले से अपने आप को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 में स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के साथ में, जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में अगर बात करें तो वो इसको मॉनिटर करने वाली, इंप्लीमेंट करने वाली इस एजेंसी है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर मॉनिटर करते हैं ये। IIT कानपुर के द्वारा जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये डेवलप किया गया 2014 में, और ये पहले 3 इंडिकेटर चेक करता था, पर आज के डेट में 8 पैरामीटर यहां पर चेक करता है। 8 पैरामीटर कौन से हैं, पार्टिकुलेट मैटर देखता है, 10 पार्टिकुलेट मैटर, 2.5 NO2, O3, CO2, SO2, NH3 और PB, तो टोटल मिलाकर ये 8 पोल्यूटेंट यहां पर ये चेक करता है। तो याद रखिएगा 8 पैरामीटर है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए। कैटेगरी कौन सी है जिसमें इसको डिवाइड कर रखा है, अगर गुड कैटेगरी है तो 0 से 50 होगा, सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी है तो 51 से 100 होगा, मॉडरेटरी पोल्यूटेड कैटेगरी है तो 101 से 200 होगा, और पुअर कैटेगरी है तो 201 से 300 होगा, वेरी पुअर है तो 301 से 400 होगा, और सीवियर है तो 401 से 500 होगा। तो ये वो कैटेगरी है जिसके बेस पर इसको चेक करते हैं कि क्या कंडीशन यहां पर बनी है। अगर यहां पर ये वाली कैटेगरी है तो अच्छी है, ये भी सेटिस्फैक्टरी है, पर यहां पर आकर फिर खराब हालत होनी स्टार्ट हो जाती है, और लास्ट में आते हैं तो ये कंडीशन हो जाती है कि अच्छा खासा हष्टपुष्ट इंसान भी सांस नहीं ले पाता है, वो भी अपने आप को बीमार फील करने लगता है। तो ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है इसकी। तो आई होप कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी दोनों इंडेक्स के बारे में। अब कोई भी क्वेश्चन पूछे, देखिए कहने के लिए तो ये क्वेश्चन हो गया, पर इस एक क्वेश्चन में आप लोगों के 10 से 12 क्वेश्चन कवर हो गए। इस अकेले से आप लोगों से पूछ रहे हैं किसके द्वारा डेवलप किया गया, क्या कंडीशन है, कहां पर है, ये बेसिकली न्यू दिल्ली में, और कौन कौन सी सिटी में, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद में, कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर इसके अंडर में आती है, कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर इसको चेक कर रही है, तो ये अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये सारे आप लोगों के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसके आप लोगों के बन जाएंगे अगर एग्जाम में आप लोग इसको ढंग से पढ़कर जाएंगे तो। ठीक है, तो ये हो गए इसके बारे में, आइए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, काफी इंपोर्टेंट है, बात की जा रही है वेज कोड बिल 2019 के बारे में, यानी कि जो सैलरी होती है, वेतन होता है, उसके लिए कोड तैयार किया गया है, और ये 2019 का ये जो बिल है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि सेंटर यानी कि जो हमारा केंद्र होता है और जो राज्य होते हैं वो दोनों फ्रेम करते हैं कि मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम कितना वेतन आप लोगों को देना है जो वेतन का हकदार है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि जो भी आप लोगों ने मिनिमम वेतन रख दिया है उसको रिवाइज करना है हर 10 साल में, मतलब मिनिमम 10 साल में तो आप लोगों को यहां पर रिवाइज करना ही करना है उसको, यानी कि 10 साल आप लोगों को यहां पर टाइम पीरियड रखना है कि 10 साल से ज्यादा नहीं जाना है, तो 10 साल से पहले पहले ही आप लोगों को उसको रिवाइज यहां पर करना है, मैक्सिमम 10 साल यहां पर हो सकते हैं। ठीक है, ये जो कोड है इसमें प्रोहिबिट करते हैं कुछ भी तरीका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़के को ज्यादा सैलरी देनी है, लड़की को कम देना है, लड़के को जॉब देनी है, लड़की को नहीं देनी है, सेम वर्क के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू एंड थ्री ओनली, सी बोला गया वन एंड थ्री ओनली, और डी बोला गया टू ओनली, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी एफ डी। करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर इसकी सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, मिनिमम वेज दोनों मिलकर तैयार करेंगे सेंटर और स्टेट। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर जो बोला गया है 10 साल, ये 10 साल यहां पर गलत है, ये 5 साल आएगा कि मैक्सिमम 5 साल है, उससे पहले पहले आप लोगों को रिवाइज करनी पड़ेगी जो सैलरी है वो, क्यों, क्योंकि देखिए कई बार महंगाई बढ़ जाती है और भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से आप लोग काउंट करेंगे पैरामीटर और देखेंगे क्या हम लोग को इसको रिवाइज करना है, तो इसको 5 साल से पहले आप लोगों को रिवाइज करना है। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि लड़कियां जो है उनकी शादी हो जाती है फिर वो प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट होती है तो बच्चों को जन्म देती है तो उसकी वजह से उनको जॉब छोड़नी पड़ती है, तो वो चीजें ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं होगी कि लड़कियों को आप लोग जॉब नहीं देंगे, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये भी यहां पर बातें इसके अंदर रखी गई है। कौन सी मिनिस्ट्री करती है ये काम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसके द्वारा ये सारा काम किया जाता है, तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर ये बात कर रहा है नीलगिरी थार के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो जानवर पिक्चर में दिख रहा है इसके बारे में बात बोली जा रही है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ये शेड्यूल फर्स्ट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका शेड्यूल फर्स्ट में यहां पर इसको रखा गया है। दूसरा बोला जा रहा है जो नीलगिरी थार है ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु और केरला के अंदर में, यानी कि इनका राज्य जानवर ये बोल सकते हैं पशु आप लोग। यहां पर बात की जा रही है इरविकुलम जो नेशनल पार्क है यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ नीलगिरी थार पाए जाते हैं, इनके ये जो है पर्टिकुलर इस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 1 और 2 सही है, बी बोला गया 2 और 3 सही है, सी बोला गया 1 और 3 सही है, डी बोला गया ओनली 1 सही है। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है, सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि दो राज्य का ये राज्य पशु है, नहीं दो राज्य का नहीं है, ये ओनली तमिलनाडु का है, केरला का ये राज्य पशु नहीं है। और ज्यादातर जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये जो ये नीलगिरी थार जो है यहां पर है इरविकुलम जो नेशनल पार्क है यहां पर ये पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, सही आंसर हो गया इसका सही सी। तो यहां पर और हां एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, इरविकुलम नेशनल पार्क यहां पर है कहां पर ये, तो ये है केरला के अंदर। केरला के अंदर भी किस पर्टिकुलर लोकेशन पे है, बेसिकली केरला के अंदर भी यहां पर देखने को मिलेगा के ए एन ए एन कानन दे ए वी ई एन देवन एच आई डबल एल एस हिल्स। तो ये इसलिए बोल बोलकर आप लोगों को बताया ताकि आप लोग इसको याद रख सकें। तो क्या हो गया, कानन देवन हिल्स जो केरला के अंदर है वहां पर ये इरविकुलम नेशनल पार्क रहता है, जिसकी वजह से ये न्यूज में रहता है। तो शेड्यूल फर्स्ट जो यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल फर्स्ट है 1972 का जो एक्ट है इसमें यहां पर इसको रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, एक वॉटरफॉल के बारे में बात की जा रही है, तो जिसको आप लोग जलप्रपात बोलते हैं, तो ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है, रिवर का नाम बताना है यहां पर इससे रिलेटेड। तो ये बोला गया ओरेंग रिवर, ठीक है ओरेंज जो रिवर है। दूसरा बोला गया यहां पर ये है लिम्पोपो, तो लिम्पोपो रिवर। तीसरा बोला गया यहां पर जाम्बेजी रिवर। चौथा बोला गया कोंगो रिवर। तो यहां पर कौन सी रिवर पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है सी, यानी कि यह है जाम्बेजी रिवर। आप लोग एक बार इसको मैप में देख लीजिए, आप लोग याद रख फिर रख पाएंगे। ये यहां पर किसके अंदर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। तो ऊपर हो गया यहां पर जाम्बिया और नीचे हो गया जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के जो बीच में यहां पर ये जो बॉर्डर एरिया है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये जो बॉर्डर एरिया थोड़ा सा और जूम करके जब इसको देखेंगे ये आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये देखिए यहां पर ये हो गया जाम्बेजी रिवर। तो जाम्बेजी जो रिवर है यहां पर ये दोनों के बॉर्डर को क्रॉस करती है आप लोगों को नजर आ रही है। तो दोनों कंट्री का कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है इसके बारे में, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया, जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात की जा रही है, अगर आप लोग इसको वैसे देखना चाहते हैं अपनी कंट्री कंपेयर में तो भी आप लोग इसको समझ सकते हैं, क्योंकि अपनी कंट्री कंपेयर में अगर किसी चीज को आप लोग देखेंगे तो फिर लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। तो ये है अपनी कंट्री, यहां से कंपेयर कर लीजिए। यहां पर बात की जा रही है ये हो गया जिम्बाब्वे, ये हो गया जाम्बिया और ये हो गया जिम्बाब्वे। तो यहां पर है ये लोकेशन जिसके बारे में हम लोगों ने ये अभी डिस्कस किया, तो आंसर सी हो गया। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा पैरा से डिस्कशन। लेक्चर थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि मुझे अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी, और इसी के साथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं थोड़ा बाहर हूं, तो आ यहां पर ताकि जल्दी से अपलोड हो जाए। और आप लोगों का जो डिस्कशन किया वो पूरा डिटेल में किया है ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। छोटा मुन्ना सा नन्ना सा पैरा सा डिस्कशन जो भी आप लोगों को लगे, इसकी लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ में पुरानी पीडीएफ भी आप लोगों को सारी यहां पर एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इंजॉय कीजिए इसी तरीके से लाइफ को। और संडे को आप लोगों का टेस्ट भी होगा, ठीक है, वो एग्जैक्ट 4 AM अपलोड कर दिया जाएगा। उससे आप लोग देखेंगे कैसी आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है, पास्ट में जो भी क्वेश्चन आप लोगों के डिस्कस किए जाते हैं एक तरीके से रिविजन टेस्ट भी आप लोग उसको बोल सकते हैं। आप लोग एक तरीके से चेक कर सकते हैं वहां पर किस लेवल की प्रिपरेशन आप लोगों को चल रही है, तो वो टेस्ट आप लोग जरूर दिया कीजिए। और उसी के बाद में फिर महीने का जो टेस्ट होता है फिर वो एक टेस्ट हो जाता है। तो अगर इस तरीके से आप लोग कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे, देखिए आप लोग इतनी बार में रिवीजन करा दूंगा अगर आप लोग ढंग से चीजों को फॉलो करके चलेंगे, एग्जाम में आप लोगों को मेरे जो वर्ड बोल रहा हूं ना वो शब्द भी याद आने लगेंगे। वो तभी होगा पर जब आप लोग मेरे साथ में ढंग से मिलकर काम करेंगे। स्किप मत किया कीजिए लेक्चर को, भले एक दिन स्किप हो जाता है अगले दिन देख लो दोनों लेक्चर को बैठ के, ये आप लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि ये काम मैं आप लोगों की जगह नहीं कर सकता। अगर कर सकता तो कर देता, पर ये काम आपको ही करना पड़ेगा और पेपर भी आप लोगों को ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, इंजॉय करते रहिए इसी तरीके से। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।